प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल नाम उस राजा का है जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज का दिन यानी 10 मई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ऐसी ही शौर्य गाथाएं इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1760 में हुआ था। इनके पिता महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के पश्चात 1756 में ये भरतपुर राज्य के शासक बने। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, इसलिए इन्हें जाटों का पलटो भी कहा जाता है। इनके द्वारा आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि को इन्होंने अपने राज्य में शामिल किया। महाराणा सूरजमल को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक माना जाता है। इनके पास 15,000 घुड़सवार व 25,000 पैदल सैनिकों की सेना थी। महाराजा सूरजमल बचपन से ही वीर, बुद्धिमान व घुसेल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने मेवात के मेवों पर कब्जा कर लिया। अपने पिता के आदेश पर 1732 में डिग के सुग्रीवों पर आक्रमण कर डिग सुग्रीवों के एक बड़े इलाके को जीत लिया, और इस जीत के बाद इन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। इन्होंने बघेड़ों के युद्ध में 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ हराकर अपनी धाक कायम की। इनके शासनकाल में जनता की खुशहाली अपने चरम पर थी। महाराजा सूरजमल का शासन भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर, हरियाणा सहित उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। महाराजा सूरजमल महान प्रतापी शासक होने के साथ साथ उदार प्रकृति के व्यक्ति भी थे। जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई, तब 30,000 से 40,000 मराठा सैनिकों की सहायता के लिए उन्होंने अपने भंडार खोल दिए और उनको यहाँ अपने यहाँ शरण दी। ऐसे थे हमारे महाराजा सूरजमल। लेकिन बॉलीवुड में आई एक मूवी पानीपत में यह बात बिल्कुल गलत बताई गई है, जिस कारण यह फिल्म विवादों में फंस गई है। अगर पानीपत के युद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया होता तो आज इतिहास और कुछ होता। 25 दिसंबर 1763 को एक युद्ध के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए, मगर इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो गया। हिल गया गगन सारा, झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए पर कभी न झुका सूरज हमारा। तो कैसा लगा आपको महाराजा सूरजमल के बारे में जानना? और दोस्तों, इंडस्ट्री की कौन सी घटना है जो आपको प्रभावित किया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों